अच्छा जी, तो ये मेरा दूसरा व्लॉग है, जो कि आप लोगों को पता है कि हम जा रहे हैं कराची से पेशावर तक, और ये सफ़र हमारा बस में है, जूटांग बस सर्विस। गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत है ना, धूप भी बहुत है, पसीने भी आते हैं, तो गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, मैं गाड़ी के अंदर हूँ, गाड़ी के बाहर आप देख सकते हैं ये खातून देखे किस तरह जो है ये भीख मांग रहे हैं। अच्छा जनाब, अभी जिस जगह से हम गुज़र रहे हैं ये हैदराबाद और सकर के दरमियान जो हाईवे है वहाँ पर, ये रोड थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि अभी यहाँ जो मोटरवे है वो नहीं बना है, इस पर काम स्टार्ट है, काम जो ही ख़त्म हो जाएगा तो ये भी कॉल दिया जाएगा। अभी ना कराची से पेशावर तक या इस्लामाबाद तक या लाहौर तक अगर आप लोग निकले तो पूरा ही मोटरवे है, सिर्फ ये एक पोर्शन है, तकरीबन कोई 300-350 किलोमीटर का ये जो फासला है, ये सुपर हाईवे अभी तक नहीं बना है, हाईवे है सिर्फ, तो ये थोड़ा सा रोड ख़राब है, जो ये जाएगा तो ये फासला भी कम होगा और हम जो है आरामदेह सफ़र भी करेंगे। सच बताऊँ तो मुझे जो अच्छा नहीं लगता तो इस जगह में यानी हैदराबाद से लेकर सकर की बीच में जो होटल्स आते हैं ना, ये जो पीर पठान और हाफिज़ होटल, पता नहीं कौन कौन से होटल्स आते हैं, इसका खाना भी अच्छा नहीं होता और रेट भी बहुत बड़ा चढ़ा कर जो है वो दे देते हैं, तो ये चीज़ जो है मुझे पसंद नहीं है। इससे हमें छुटकारा भी मिल जाएगा, साथ में 18 घंटे तक ये सफ़र पहुँचा है तो ये और कम हो के तकरीबन 14 या 12 घंटे तक भी आ जाएगा। अच्छा जी, तो क्या ख्याल है, हमने कहा थोड़ा सा गाड़ी तेज़ करें, नहीं ये गाड़ी तेज़ नहीं, क्या है ये थोड़ा सा वीडियो का मोशन जो है हम लोगों ने तेज़ किया है, तो क्योंकि जगह हम लोगों ने ज़्यादा कवर किया और ताकि आप लोग भी बोर ना हो और हम बहुत तेज़ जो है पहुँचे। जनाब, तो ये बस का सफ़र ऐसा होता है कि इसमें थोड़ा सा तकलीफ़ होते हैं, वाशरूम वगैरह का थोड़ा सा टेंशन इंसान के साथ होते हैं, ख़ास तौर पर जो बीमार लोग होते हैं, तो मैं तो वैसे प्रेफर करूँगा क्योंकि मेरा ये पिछला एक व्लॉग है जो हम कार से जा रहे थे कराची से दीर सवात के लिए, तो लॉकडाउन था उस वजह से मजबूरी में गए थे, लेकिन उसका मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है कि बनिस्बत कार की बस का सर्विस जो है वो बहुत बेहतर भी है और इसमें रिस्क भी इतना नहीं है, एक्सीडेंट का ख़तरा भी इतना नहीं है, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग अगर सफ़र करना चाहते हो तो आप बाई बस चलें। बाकी ये है कि आप जो है वैसे लोग कहते हैं कि हम बायर जाते हैं, लेकिन लाकर ये पूरा रोड अच्छा बन जाए तो अगर मोटरवे हो तो फिर आप 10 से 8 12 घंटे में आप पहुंच सकते हैं, तो फिर जो है फ्लाइट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने नोट किया होगा
फ्लाइट जाने से पहले एक नंबर एक उसके टिकट का टेंशन, उसके बाद फिर अपने जहाँ पर आप लोग रहते हैं वहाँ से एयरपोर्ट जाने का टेंशन, फिर 2 घंटे पहले पहुँचना होता है, फिर वहाँ फ्लाइट का टाइम, फिर वापस एयरपोर्ट से अपने इलाके में जाना, तो ये वही 10-12 घंटे बन जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप जो है फिर बस में चले, लेकिन ये रोड बन जाए, सिर्फ एक ही पोर्शन बाकी है जो कि हैदराबाद से सकर तक है। और आप लोगों को बताता चलूँ कि ये हम पहुँच गए हैं सईदाबाद। सईदाबाद जो है तकरीबन 100-150 किलोमीटर के फासले पर है कराची हैदराबाद से, और ये तकरीबन हमने कवर किया 1.5 से 2 घंटों के अंदर अंदर। तो ये ड्राइवर हजरात की अपनी डीलिंग है एक दूसरे से, क्योंकि कुछ सीट्स हमारे पास खाली थे तो वो भरने के लिए ये लोग अभी डीलिंग कर रहे हैं, और आई थिंक इसने बिठा दिए। इस सुपर हाईवे या इसी तरह रोड्स में अगर आप देखा भी जाए तो इसमें करप्शन के खदशात भी बहुत है। देखिए कंप्यूटराइज कोई भी टोल प्लाजा कंप्यूटराइज नहीं है, तो इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन भी होते हैं। और ये देखिए अच्छा खासा आदमी है और व्हील चेयर में बैठा के ऐसे मांग रहे। तो सिंध में ये बेकारीपन जो है ये बहुत ज़्यादा है, मर्द भी करते हैं, औरत भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं। तो हालांकि ये गुरबत अगर देखा जाए तो इतना होता भी नहीं अगर ये चौधरी और ये सरदारी निज़ाम ना होता सिंध में, तो इसका खात्मा खुद ये लोग करते भी नहीं है। वजह ये है कि जितने भी वडेरे और सरदार है वो सारे तो इन लोगों के वोट्स पर MNA MPA पोलिटिकल्स और मुख्तलिफ सारी चीज़ें वो बन गए हैं, तो इसलिए ये लोग भी नहीं चाहते हैं कि खात्मा हो जाए। अभी तक भी तकरीबन 2-3 घंटे सफ़र किए और अभी भी तकरीबन 200-150 किलोमीटर के करीब बाकी है सकर तक। जब आप पहुँचेंगे तो उसके बाद हम सफ़र स्टार्ट कर लेंगे, और अभी मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि किस तरह जो है ये तो ये देखिए सफ़र का पूरा हमारे बस का लोकेशन, और हम लोग ये सफ़र आप लोगों को पता है कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि बीच बीच में ही आप देख सकते हैं लोकल ट्रैफिक्स आ जाते हैं, मोटरसाइकिल वाले आ जाते हैं, तो फिर उस हिसाब से एक रिदम से आप सफ़र नहीं कर सकते। जरा बस 110-120 की स्पीड पर जा रहे हैं जो उनके बीच में ये आते हैं, और रोड का वेट्स जो है चौड़ाई भी इतना नहीं है, क्योंकि इसके वजह से बस वाले भी ड्राइवर हजरात भी थोड़ा सा एहतियात करते हैं। और बीच में ये बाज़ार देखे तो ये जगह जगह जो शहरें आते हैं बीच में, तो वो भी बहुत ट्रैफिक भी होते हैं, लोकल लोग यहाँ पर पैदल सफ़र करते हैं, तो उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होता है। ये मोटरसाइकिल देखे आप, तो ये बहुत ज़्यादा मसले होते हैं GT रोड पर। इंशाल्लाह ये एक पोर्शन बन जाए तो फिर सोना है कराची से पेशावर तक बाय रोड या बाय बस पहुंचना, क्योंकि असर का टाइम होने वाला है और ऑलरेडी हमने दोपहर का खाना खाया था के लिए रुके हैं, तो यहाँ पर हम रुकेंगे नमाज के लिए और फिर आपसे बात करेंगे। और ये होटल सा भी है, ट्रक वालों का होटल है, ट्रक होटल है कराची में, ज़्यादातर आप लोगों को इस रोड पर यही मिलेगा, क्योंकि अभी हम मोटरवे पे नहीं गए, तो मोटरवे पे जो ही हम लोग स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर ये इस तरह जो है ये ट्रक जितने भी होटल्स हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे। अब फिलहाल मैंने तो नमाज़ पढ़ ली है और वज़ू भी किया, नमाज़ भी पढ़ ली है। ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पर एक ट्रक वालों का होटल बना है,
तो यहाँ पर मुख्तलिफ सारे ट्रक्स वगैरह खड़े हैं और हालांकि बस वाले तो ऐसे ही होटल पे नहीं खड़े होते क्योंकि यहाँ पर इन लोग का फ्री में नहीं होता। बाकी जो बस होटल्स हैं वहाँ पर तो बस ड्राइवर और इनके जितने भी लोग हैं उसको तो फ्री खाना मिलता है। हालांकि खाना इस तरह बस ड्राइवरों वाला जो होटल्स होते हैं वहाँ पर अच्छा मिलता है। तो खैर क्या कर सकते हैं अभी, इंशाल्लाह ये ड्यूटी रोड जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह सारा मोटरवे होगा और मोटरवे में ये चीज़ नहीं होगा फिर। तो अभी बुला रहे हैं कि आगे तो बस की तरफ भाग रहा हूँ। असल में अगर सन को भी देखा जाए तो इसमें भी अपनी खूबसूरती बहुत है। कल्चर इसका देखा जाए तो बहुत खूबसूरत कल्चर है। बस सिर्फ एक चीज़ है कि जो अंदरूनी सिंध में मैंने देखा है ज़्यादातर ये वटेरा और सरदारी निज़ाम ने इनका सब कुछ तबाह बर्बाद किया। ये लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं और उसका वजह ये है कि ये सरदार और ये वटेरे इन लोगों को मना करते हैं तो इन बेचारों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म होता है और होता रहा है। और इंशाल्लाह अभी इन लोगों में तो तो ये लोग इनसे आपको जो है वो बचाएंगे। तकरीबन 10-15 किलोमीटर आगे मोटरवे शुरू होने वाले हैं सक्कर से मुल्तान तक। ये असर का टाइम है और सिंध की अपनी खूबसूरती आप देख सकते हैं और जहाँ के अपना ये देखें ग्रीनरी भी यहाँ पर ज़्यादा है। सिंध का टूरिज्म थोड़ा सा जाग जाए तो यहाँ पर कहते हैं ना कि इस खाक में जो है बहुत कुछ छुपा हुआ है। और चलते चलते तकरीबन असर का टाइम गुजर गया और शाम का अंधेरा डलना स्टार्ट हो गया। देख सकते हैं आप गाड़ियों की लाइटें और ये शाम का अंधेरा। पूरा दिन समझे कि आज हमने सफ़र किया और तकरीबन ये सफ़र हमने किया है करीब है मोटरवे की, लेकिन इससे पहले आई थिंक असर की नमाज हम इसी रोड पर पढ़ेंगे क्योंकि फिर मोटरवे में बहुत करीब करीब मस्जिदें हैं नहीं, तो मगरिब की नमाज हम यहाँ पढ़ के उसके बाद हम तो मगरिब की नमाज के लिए हम लोग उतरे थे, नमाज पढ़ ली है लेकिन टाइम कम भाग के जाएंगे सकर से मुल्तान तक। ठंडे खीरे नींबू वाले मसाले वाले जी। तो अभी बस अभी मोटरवे क्यों जा रहे हैं, ये कैमरा वाला है, कैमरा जो है वो पूरा मेंशन करते हैं कि कौन यहाँ पर है क्योंकि अक्सर कोई मसला हो जाए इंसिडेंट वगैरह तो इससे निशानदेही वगैरह जो है वो करते हैं। तो बस
सफ़र के करीब है तकरीबन मोटर वे पहुँचने के लिए जो है कुछ टाइम जो है अभी बाकी है तकरीबन। अच्छा दोस्तों, वो मैंने कहा आप लोगों को ना, मैं मोटर वे जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ तक मैं आप लोगों को दिखाऊंगा सारी चीज़ें कि क्या करना है और मोटर वे किस तरह स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है। लेकिन असल में हुआ ये कि मैंने कल रात ड्यूटी की थी जिसके वजह से जो है फिर दिन में नींद नहीं हो सका, क्योंकि 9 बजे तक मैं अपना क्वार्टर में आया और फिर वहाँ पर तैयारी कर करा के जो है 12 बजे जब मैं अड्डे पहुँच गया तो फिर वहाँ पर मतलब गाड़ी निकलती निकलती तो 2 बज गए, जिसकी वजह से मैंने नींद नहीं किया। फिर गर्मी भी थी इस वजह से, और फिर अपने भी कोई मसरूफियात थे तो वो सब कुछ कर करा के मतलब दिन में नींद नहीं हुआ। तो फिर शाम के बाद जब मैं सो गया तकरीबन मैंने कोई रानीपुर तक कवर तो किया पूरा एरिया वीडियो में, लेकिन उसके बाद मुझे पता भी नहीं चला था और मैं सो गया था। अभी जब खाने के लिए जो है ये लोग रुके और नमाज के लिए रुके तो तभी जाके जो है अपना जो साथी है जो मेरे बराबर में था उसने मुझे जगा दिया, तो थोड़ा सा वो एरिया मिस हो गया मुझसे, आप लोगों को खबर नहीं दे सका वीडियो में। लेकिन वीडियो लंबी होते जा रही है, मेरे ख़्याल में आप लोगों को भी जो है बोर नहीं होने देंगे। और जो नेक्स्ट जितने भी जगह है और एरिया है वो हम 3rd एपिसोड में कवर करते हैं। उम्मीद रही आप लोगों को जो है हमारे वीडियो पसंद आया होगा। अगर चैनल में आप लोग नए हों तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।